वन महोत्सव सप्ताह के तहत जिले में पौधारोपण अभियान के तहत रविवार को विनोद वन में स्थित वन विभाग के अतिथि गृह में आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ने पौधरोपण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने औषधि पौधों से तैयार आरोग्य वाटिका और कोरोना के संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले प्रदेश के 48 वन कर्मियों की याद में बनाए गए स्मारक का लोकार्पण किया, साथ ही हरी झंडी दिखाकर औपचारिक वन महोत्सव की शुरुआत की। आरोग्य वाटिका में वन मंत्री ने औषधि महत्व के अर्जुन के पौधे का रोपण भी किया। इस मौके पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने भी पौधरोपण किया। इस संबंध में प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने जनपद में पौधरोपण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि अंधाधुंध कटान की वजह से पेड़ खत्म हो रहे हैं, इसी वजह से बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। आज स्थिति यह है कि हम कोरोना जैसी भयावह बीमारी से जूझ रहे हैं। इसे जड़ से खत्म करने का सबसे सरल उपाय अधिक से अधिक पौधे लगाना है। पेड़ संतान की तरह होते हैं, संतान की तरह ही वे भी हमारी देखभाल करते हैं और जीवन को आसान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए प्रदेश में जुलाई में 30 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने इस अभियान में हर व्यक्ति को शामिल होने का आह्वान करते हुए अपने घर के सामने कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। गोरखपुर में हम लोगों का 44 लाख वृक्ष लगाने का योजना था, उसको बढ़ाकर हम लोग 50 लाख से ऊपर वृक्ष लगाएंगे। एक वृक्ष अपने जीवन काल में 5 करोड़ रुपए लागत का ऑक्सीजन देता है। वृक्ष को हमें नमन करना चाहिए। वृक्ष लगाने से बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं हो सकता। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन और समाज कल्याण और जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, मंत्री क्या सर इधर देखिए, आप लोगों के हरियाली हरियाली होगी बहुत, लेकिन यहाँ से गौरजी पे लेते जाइएगा पनियाला नहीं, गौरजी का पेड़। सर इधर देखिएगा, सर थोड़ा इधर देखिए, शुगर के लिए बहुत बढ़िया चीज है। देखिए, एक ऐतिहासिक क्षण है। एक तरफ से पूरे प्रदेश में आज एक ही दिन में 25 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए अभियान चल रहा है, उसी का हम लोग अब सभी लोग हिस्सेदार भी है। गोरखपुर में हम लोग आज 43 लाख वृक्ष एक ही दिन में लगाने की योजना था, उसके बाद बढ़ के हम लोग 50 लाख को ऊपर लगाएंगे और पूरा मिला के जो पूरे प्रदेश में 30 करोड़ को ऊपर वृक्ष लगाने का अभियान है, उसी अभियान का आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रारंभ किए हैं। यहाँ हम लोग का प्रभारी मंत्री जी रमापति शास्त्री जी ने प्रारंभ किए हैं। एक बहुत आधुनिक काम है और बहुत ज़रूरी काम है। वैसे कोरोना काल में आप याद करें, आपका मैं सभी का एक चीज़ बताने चाहता हूँ, ताकि जो हवा में
वातावरण में 19% ऑक्सीजन होता है, बाकी 80% नाइट्रोजन होता है, बाकी 1% कुछ ना कुछ गैस होता है। जो 19% ऑक्सीजन के वजह हम जिंदा हैं, और ये एक वृक्ष का आप कैलकुलेट करेंगे अपने जीवन काल में कम से कम 5 करोड़ लागत का ऑक्सीजन वो देता है, और इसी से आपको कितना ऑक्सीजन प्लांट हमारे गीड़ा में लगी हुई आप जाके देखेंगे, वातावरण से ले के 19% के ऑक्सीजन को कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा के देता है। एक सिलेंडर का लागत यदि 1000 रुपये आप कैलकुलेट करें, एक वृक्ष को हमें नमन करना चाहिए था ताकि अपने जीवन काल में 5 करोड़ लागत का ऑक्सीजन हमें दे रही है। ऐसे वाकई में भगवान का काम है ये, और जीवन देने के काम है। इसलिए मैं चाहता हूँ वृक्ष लगने से पुण्य काम कुछ नहीं हो सकता है, ज़रूर एक एक वृक्ष लगा दें, और ज़रूर वातावरण का जो कितने प्रदूषण हुआ है वो सब कार्बन डाइऑक्साइड का वो वृक्ष ऑब्जर्व कराते हुए अपने प्राणवायु, हम लोग का जो ज़रूरत प्राणवायु वो देता है। इसलिए अभियान का नमन करते हुए दिल से करिए, ये मेरा अनुरोध है आपसे। पूरे उत्तर प्रदेश भर में 30 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए, हम तो लगता है 25 करोड़ से ज़्यादा तो आज लग गया होगा, और ये अभियान चला करके इसी महीने में 30 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे, ये हमारा संकल्प है और सब लोग लगे हैं। हमको लगता है कि 30 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिस प्रकार से अभियान चल रहा है, जिस प्रकार से व्यवस्था हो रही है, आगे बढ़ेंगे। और 50 लाख तो हमारे गोरखपुर में लगा, और गोरखपुर भी एक एक आंकड़ा एक करिश्मा तैयार करेगा कि योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में गोरखपुर तो हाईटेक सिटी होने जा रही है, और इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म करने के लिए वनों का विस्तार हो रहा है, और उसमें ऑक्सीजन लाने की व्यवस्था हो रही है। यहाँ तमाम प्रकार के रोग आते थे तो हमने तो कहा है वृक्ष लगाओ और कोरोना भगाओ, बीमारी भगाओ, तो ये सारी व्यवस्था पूरी हो रही है और हम लोग इस रस्ते को पूरा करके आगे जा रहे हैं, काम करेंगे इसी मंजिल। वृक्ष जो लगाया जाए उसको सजवाया जाए, उसको देखभाल किया जाए, व्यवस्था किया जाए, और सूखने ना पाए उसके लिए प्रयत्न करते रहें। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, हम अपनी स्मृति जो उसे भूलते जा रहे थे उसको हम याद करते जा रहे हैं, और ये औषधीय पौधे लग रहे हैं, औषधीय बन का नातेदार लग रहा है। हमने कहा नहीं, पहले वृक्ष खूब होते थे, ऑक्सीजन देते थे, वृक्ष कट रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, इसलिए हमको ऑक्सीजन ढूंढना पड़ा है, कृत्रिम ऑक्सीजन बनाना पड़ता है। वृक्ष लगाते चले जाओ, ढेर बर्बादी व्यवस्था होती चली जाएगी, और ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म होता चला जाएगा, और ऑक्सीजन को रोक नहीं पाएगा, चलता है। इसमें आप सब वृक्ष लगाओ।